अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। भाई आज की एपिसोड के अंदर मैं आपको थोड़े से ना सिनेमैटिक्स के रूल्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी फुटेज को जो है ना इन्हेंस कर सकते हैं, क्रिएटिविटी को थोड़ा सा बूस्टअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक बेसिक शॉट थ्योरी जो बेसिक तरीके से मैंने शूट की है। आप इस सीक्वेंस को देखें और उसके बाद हम बात करेंगे इसको इन्हेंस करने पर। तो जनाब ये आपने सीक्वेंस देखा जो कि एक बेसिक तरीके से मैंने बिल्कुल शूट किया, इनके स्टैटिक शॉट्स हैं। और अभी मैं इस सेम सीन को थोड़ा सा इन्हेंस करने की कोशिश करता हूं और फिर आपको दिखेगा फ़र्क। तो चेक कीजिए। तो जनाब फ़र्क आपने देखा कि एक सेम सीक्वेंस को अगर मैंने एक डिफरेंट मोशन के साथ जब कैप्चर किया तो उसके अंदर कितना फ़र्क आया है और कितनी जो है ना उसकी सिनेमाटोग्राफी जो थी वो इन्हेंस हो गई, यानी कि फुटेज जो थी वो कितनी अलाइव हो गई। और इस तरीके की फुटेज को कैप्चर करने के लिए डेफिनेटली कुछ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये मेरे सामने है YC Onion का हॉट डॉग स्लाइडर। ये बड़ी इकोनॉमिकल प्रोडक्ट है और बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट है। आप सीक्वेंस देख सकते हैं जो मैंने शूट किए, जिस तरह से मतलब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मोशंस मैंने कैप्चर की हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो है ना इसकी मैंने पोजीशंस को रखते हुए अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से मैंने उन सीन्स को कैप्चर किए कि कहाँ पे मुझे पैनिंग चाहिए, कहाँ पे मुझे जूम इन चाहिए, जूम आउट चाहिए, किस तरीके से मुझे पैन जो है ना वो अपसाइड डाउन उठाना है कैमरे को। तो ये तो खैर टोटली आपकी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी जो है मैं आपको थोड़ा सा इस YC Onion हॉट डॉग स्लाइडर के बारे में बताता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। इसकी जो स्लाइडिंग के जो ये पोल्स हैं ये आपके कार्बन फाइबर के बने, इसके अलावा सारी एल्युमिनियम की बॉडी है और इसके अंदर एक मोटर दी गई है जिस मोटर से जो है ना ये ऑटोमेटिक मोशंस कंट्रोल होती हैं। इसके अंदर ए और बी दो पोजीशंस होती हैं जिसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि जैसे मैं देखूँ कि यहाँ पर मैंने ए पॉइंट सेट कर दिया, इसके बाद मैंने बी पॉइंट सेट कर दिया। अब मज़ीद मैं इसके अंदर जाऊँ तो मैं इसको डबल मोशन के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी कि मैं चाहता हूँ कि एक सिंगल साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक हो वो भी मैं कर सकता हूँ उसके अंदर कंट्रोल। मैं चाहता हूं कि मल्टीपल साइकिल्स यानी कि जो मैंने ए एंड बी पोजीशंस रखी हैं उसके ऊपर ये घूमता रहे तो वहां पे भी हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी मैंने इसको ट्राईपॉड के ऊपर रखा है तो ट्राईपॉड पे आप सेट कर सकते हैं। ट्राईपॉड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम अक्सर ये होती है कि ये जो है ना जब वेट इसकी तरफ यहाँ लेफ्ट या राइट पर जाता है तो डिसबैलेंस होने का खतरा होता है, बट उसका भी बहुत अच्छा सोल्यूशन है। वो क्या, वो ये कि जो हमारे पास ये छोटे से जो है ना इसके समझ लें स्टेबलाइजर पोल दिए गए हैं, इनको आप अटैच कर सकते हैं और अपने ट्राईपॉड के जरिए, तो इससे ये होता है कि स्टेबिलिटी आ जाती है। इसके अलावा आप इसको ट्राईपॉड के अलावा किसी ज़मीन पे रख के भी चला सकते हैं और किसी भी प्लेन सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे आप रख के इसको चला सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इसकी लगती है वो ये कि इसका जो एंगल कंट्रोल का सीन है ना, मतलब यानी कि मैं अपने हिसाब से अपने एंगल को, पैनिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ, यानी मैं डबल मोशन कैप्चर कर सकता हूँ। एक तो मेरी पैनिंग या जूम इन जूम आउट है, उसके अलावा मेरे जो एंगल है वो भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ अपने हिसाब से। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसके अंदर दी गई हैं जो कि बड़ी मज़े की हैं। इस मोटर के अलावा अगर आप इसको चलाना चाहेंगे तब भी आप चला सकते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा स्मूथ कंट्रोल नहीं हो सकता। तो ये एक बहुत ही बेसिक सी प्रोडक्ट है, बेसिक सा तरीका है। इसकी एप्लीकेशन भी आती है, उसके ज़रिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो है ना एक सोनी की एल सीरीज़ बैटरी लगती है, वो आप लगा लें, और इसके अलावा डायरेक्ट भी आप इसको USB से चला सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एप्लीकेशन के से ज़रिए भी आप कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन मैं क्योंकि एप्लीकेशन से भागता हूँ तो मैं इसको बगैर एप्लीकेशन के चलाना ज़्यादा ईजी समझता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से काम के हिसाब से रिक्वायरमेंट जो है वो ये पूरी कर देता है। तो आई होप कि आपको आज की प्रोडक्ट समझ में आई हो, बहुत अच्छी लगी हो। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स वगैरह मौजूद हैं, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। पाकिस्तान में ईजिली अवेलेबल है, और नहीं भी होगी तो ये कंपनी आपको डायरेक्टली यहाँ पे शिप कर सकती है, तो कोई इतने बड़े मसले की बात नहीं है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, नेक्स्ट एपिसोड में फिर किसी अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ आपके हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और बस।
हंसते रहिएगा।